मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में सैलाब ने अपना तांडव मचा रखा है और इसी कड़ी में खरगोन से दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं, जहां एक लड़का उफनाई रूपारेल नदी को पार करते वक्त पानी की तेज धार में बह गया। हादसा उस वक्त हुआ जब झिरनिया इलाके में लगातार हो रही बारिश के बाद सैलाब का पानी एक पुलिया तक आ गया। इसी पुलिया को पार करने के चक्कर में ये लड़का जैसे ही आगे बढ़ा, वैसे ही लहरों की तेज रफ्तार में उसके पांव उखड़ गए और वो नदी में बहने लगा। इसी दौरान वहां खड़े लोग शोर मचाते रहे, जबकि कुछ लोगों ने इस हादसे को अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया। हालांकि भयानक बाढ़ में बहे लड़के का कोई सुराग नहीं लगाया जा सका। उधर मध्य प्रदेश के बड़वानी में मूसलाधार बारिश के बाद गोई नदी उफान पर है और इसी नदी को पार करने के लिए एक आदमी अपनी जिद पर अड़ गया और बिजली के तारों के सहारे नदी को पार करने लगा। कुछ सेकंडों तक ये आदमी तार पर झूलता रहा, लेकिन जैसे ही इसने तार पर कुछ और आगे बढ़ने की कोशिश की, उसके हाथ से तार छूट गए और वो उफनाई गोई नदी की लहरों में बहने लगा। इसी दौरान वहां मौजूद कुछ लोगों ने इस हादसे को अपने मोबाइल में कैद कर लिया। गनीमत ये रही कि नदी के किनारे खड़े कुछ ग्रामीणों ने बाद में उसे बचा लिया। बताया गया कि आदमी नकटी रानी इलाके का रहने वाला है और मानसिक रूप से बीमार है। तो वहीं धार में बरसाती नदी के किनारे सेल्फी ले रहे कुछ बच्चों के मोबाइल में एक हादसे की तस्वीर भी रिकॉर्ड हो गई। ये सभी पानी के तेज बहाव का वीडियो बना रहे थे, लेकिन इसी दौरान जब एक बाइक सवार उफनाई नदी को पार करने के लिए पुलिया से गुजरा तो तेज लहरों की वजह से अपना संतुलन खोकर बाइक समेत नदी में जा गिरा, जिसे देखकर वीडियो बना रहे बच्चे चीखने लगे। हालांकि कुछ देर लहरों में फंसे रहने के बाद वो तैरकर बाहर भी आ गया। बताया गया कि बीते कुछ दिनों से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से यहां नदियां उफान पर हैं। यही वजह है कि हादसों का खतरा भी लगातार बना हुआ है। हफ्ता भर पहले वडोदरा में हुई भारी बारिश से गाड़ियों को हुए नुकसान को देखते हुए वहां की ट्रैफिक पुलिस ने लोगों को राहत पहुंचाने के लिए एक अहम फैसला किया। जानकारी के मुताबिक वडोदरा ट्रैफिक पुलिस ने 15 अगस्त तक ट्रैफिक सिग्नल तोड़ने वाले लोगों का चालान नहीं करने का ऐलान किया। ट्रैफिक पुलिस ने यह फैसला 31 जुलाई को हुई भारी बारिश के बाद हजारों गाड़ियों को हुए नुकसान को देखते हुए किया। 31 जुलाई को वडोदरा में 20 इंच से ज्यादा बारिश हुई थी, जिसकी वजह से शहर के ज्यादातर हिस्सों में कई फीट पानी भर गया था। बताया गया कि पानी में डूबने की वजह से 7,000 कारें और 50,000 दुपहिया गाड़ियों को भारी नुकसान पहुंचा है, जिनकी मरम्मत में करीब 23 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। ऐसे में बाढ़ की मार से बेहाल लोगों को राहत पहुंचाने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने 15 अगस्त तक उन पर कोई जुर्माना नहीं लगाने का फैसला किया। पंजाब में 15 अगस्त को लेकर सुरक्षा अभियान चलाया गया। 15 अगस्त पर सुरक्षा को लेकर पंजाब के लुधियाना समेत कई शहरों में रेलवे स्टेशन और बस अड्डों पर लोगों की तलाशी का अभियान चलाया गया। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में बाढ़ से प्रभावित सैकड़ों लोग एक पेट्रोल पंप पर पेट्रोल लेने के लिए उमड़ पड़े। कर्नाटक के शिवमोगा में पुलिस ने बाढ़ में डूब चुकी एक गौशाला से 200 से ज्यादा गायों की जान बचा ली। जम्मू कश्मीर के पुंछ में ईद की खरीदारी के लिए 4 घंटे के लिए धारा 144 हटाई गई। यूपी के वाराणसी में मुस्लिम महिलाओं ने पार्क में लगे पौधों और पेड़ों को राखी बांधकर उनका संरक्षण करने की कसम खाई। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 के हटाने की खुशी में बिहार के छपरा में कुछ लोगों ने पीएम मोदी और अमित शाह के लिए हवन कर उनकी लंबी उम्र की कामना की। मध्य प्रदेश के बड़वानी में एक लड़का बिजली का तार पकड़कर नदी पार करते हुए उसमें गिर गया, हालांकि गांव वालों ने उसे बचा लिया। यूपी के वाराणसी में मुस्लिम महिलाओं ने आर्टिकल 370 और 3 तलाक बिल के समर्थन में सैकड़ों राखियां बनाई। भारत और वेस्टइंडीज की टीम पहला वनडे बारिश की वजह से रद्द होने के बाद आज पोर्ट ऑफ स्पेन में दूसरे वनडे में भिड़ेंगी। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बिना इजाजत लिए विदेश यात्रा करने के आरोप में विकेटकीपर बल्लेबाज मोहम्मद शहजाद का करार अनिश्चितकाल के लिए सस्पेंड कर दिया। बतौर लेफ्टिनेंट कर्नल इन दिनों जम्मू कश्मीर में तैनात महेंद्र सिंह धोनी की पत्नी साक्षी ने सोशल मीडिया पर उनकी नई और भारत की इकलौती कार की तस्वीर शेयर की।